गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था लेखांकन। लेखांकन हमने इतिहास पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, किन किन माध्यमों से आज वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है लेखांकन ने, वो हमने पढ़ लिया। लेखांकन अभी वर्तमान स्वरूप में किस महत्वपूर्ण तरह से व्यवसाय में उपयोग आ रहा है वो अपन ने पढ़ लिया। पर लेखांकन में क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, लेखांकन के जो संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतीकरण एवं सारणीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से बनाई जाती है, अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द अकाउंटिंग में इसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, या अमेरिकन स्टैंडर्ड में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस तरह से इसका उपयोग में लाया गया है, ये सभी निष्कर्ष, ये सभी अध्ययन आज अपन इस क्लास में करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है लेखांकन के सिद्धांत के आधार, किन सिद्धांतों की सहायता से अपन लेखांकन में व्यवहार करते हुए आ रहे हैं, लेखांकन में किस तरह से व्यवहारों को, लेन देनों को, जो भी घटनाएं होती है उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इन सभी के बारे में चर्चा आज अपन इस क्लास में करेंगे। तो सामान्यतः लेखांकन में जितने भी वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं, जो घटनाएँ होती है, उनका संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतीकरण और वर्गीकरण जिन माध्यमों के सहायता से किया जा सकता है, या जिन सूचनाओं को जो हमें प्राप्त हो रही है उन्हें विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, ये सभी जानकारी प्रदान करना, ये सभी लेखांकन के कार्य के रूप में आता है। लेखांकन व्यवसाय को किस तरह से चलाने में, सूचनाओं को प्राप्त करने में, उनकी वित्तीय स्थिति को प्राप्त करने में, और फर्म घाटे में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, इस सभी की जानकारी हमें लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसमें हम जानने के लिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं सामान्य लेखांकन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सामान्य मान्य लेखांकन। सामान्यतः मान्य लेखांकन, शॉर्ट में सामान्य मान्य लेखांकन। भारत में लेखांकन का किस तरह से उपयोग होता है, तो भारत में लेखांकन से संबंधित एक इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के तहत भारत में लेखांकन के नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से लेखांकन का कार्य किया जा सकता है। लेखांकन में जो नियम, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों का उपयोग कैसे करना है, वो यहाँ पर प्राप्त जितनी भी संस्थाएं होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती है, उन सभी द्वारा उसको मान्यता प्राप्त मिली हुई है। इसी के तहत लेखांकन में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत, जिसको GAAP के नाम से हम जानते हैं, इसमें व्यक्तियों, परिस्थितियों और व्यवहारों से संबंधित रखने वाली जितनी भी लेखांकन संबंधी क्रियाएं होती है, जिसमें लेखांकन निर्माण, प्रस्तुतिकरण में और इन्हें एक रूप या समरूप बनाने के लिए जो नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो नियम और सिद्धांत इस लेखांकन मान्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार मान्यता उनको प्राप्त की जाती है, जिसके द्वारा विभिन्न भारत में जितनी भी संस्थाएँ होती है उन संस्थाओं के द्वारा इसका पालन किया जा सकता है। जैसे कोई भी घटना होती है कि राम ने 1,00,000 रुपए रोकड़ और 2,00,000 रुपए भवन से व्यापार प्रारंभ किया, अब ये घटना या लेन देन है जिसे हम वित्तीय प्रकृति का मानते हुए हम इसका लेखांकन का कार्य करते हैं। इसमें ये जो रोकड़ है कैश के माध्यम से व्यापार में आ रहा है, और भवन जो संपत्ति के रूप में व्यापार में प्रयोग में लिया जा रहा है, इसका हम लेखांकन करते हैं। तो इसको नियम और सिद्धांत के तरह इसका किस तरह से लेखांकन का कार्य किया जा सकता है व्यवसाय में, वही हमारे को इसमें आज पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे अवधारणाएं हैं
जिनको हम इस टॉपिक के तहत कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले है व्यावसायिक इकाई के रूप में, व्यावसायिक इकाई के रूप में। अब व्यावसायिक इकाई होती क्या है, इसे हम व्यावसायिक इकाई अवधारणा भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं, परिकल्पनाएं भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं, पर इन सबका अर्थ एक ही है कि यह व्यावसायिक इकाई होती क्या है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि राम ने 1,00,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, इसके तहत व्यापार एक इकाई के रूप में मान सकते हैं अपन, और राम को जो कि उसका स्वामी होता है इसको भी एक इकाई के रूप में मान सकते हैं। तो इसमें यह माना जाता है कि व्यवसायिक इकाई के रूप में जो राम स्वामी है वह एक इकाई है और उसका जो व्यापार है वह एक इकाई है। जिस तरह से राम ने 1,00,000 रुपये व्यापार में लगा करके उसने व्यापार को प्रारंभ किया है, तो इसमें इकाई इस व्यापार का एक दायित्व होता है कि इसे वह 1,00,000 रुपये कमा करके देवे। साथ में जितने समय के लिए ये 1,00,000 रुपये लगाए गए हैं उसके ऊपर जो भी ब्याज बनता है वह ब्याज भी स्वामी को कमा करके देवे। और इसमें यह कह सकते हैं कि व्यापार में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर निजी उपयोग के लिए स्वामी ने कुछ धनराशि निकाली है तो व्यापार का ये दायित्व है या स्वामी का ये दायित्व है कि जितनी राशि धनराशि आहरित की गई है वह आहरित धनराशि मूल राशि व्यापार में वापस लगाए, और जितने समय के लिए उसने आहरित की थी उसके ऊपर जितना ब्याज बनता है वह सभी ब्याज उस व्यापार में लेकर जावे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक इकाई में स्वामी एक इकाई होता है और व्यापार एक अलग इकाई होता है, जो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अलग अलग है तो इसलिए हम इसको एक नाम से और समझ सकते हैं, वो नाम क्या है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अवधारणा बोलो, सिद्धांत बोलो, परिकल्पनाएं बोलो, संकल्पनाएं बोलो, ये सभी एक ही है। तो व्यावसायिक इकाई भी बोल सकते हैं और इसमें हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी बोल सकते हैं। इसके तहत व्यापार का अलग अस्तित्व होता है, व्यापार में जो स्वामी होता है उसका अलग अस्तित्व होता है। स्वामी ने व्यापार में किसी प्रकार की पूंजी लगाई तो व्यापार का वो दायित्व है कि वो उसे पूंजी वापस लौटा देवे, और जितने समय के लिए व्यापार में पूंजी लगाई उस पर बनने वाला जितना भी ब्याज है वो भी उसे वापस कमा करके दे सके। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार का और स्वामी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, इसीलिए इसे पृथक अस्तित्व की अवधारणा के तहत भी हम इसको जानते हैं। तो व्यावसायिक इकाई और पृथक अस्तित्व की अवधारणा की इकाई दोनों का समान अर्थ है, समान अर्थ में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो पहली अवधारणा हमारी कंप्लीट होती है जिसे व्यावसायिक इकाई या पृथक अस्तित्व की अवधारणा के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरी अवधारणा हम पढ़ते हैं। दूसरी अवधारणा के रूप में हम मुद्रा मापन की अवधारणा, ये अवधारणा पढ़ते हैं। अब ये मुद्रा मापन की अवधारणा होती क्या है, व्यापार में बहुत से प्रकार के लेन देन या व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को अगर हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वित्तीय रूप में प्रकट कर सकते हैं, तो वह कहलाती है मुद्रा मापन की अवधारणा। जैसे राम ने
50,000 रुपये का माल क्रय किया। तो माल खरीदना किसके रूप में? 50,000 रुपये के रूप में। तो इसको अपन ने मुद्रा के रूप में व्यक्त किया। इस टाइप के जितने भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो आप उसका लेखांकन आसानी से कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, उस सूचनाओं को हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अगर राम ने किसी प्रकार का माल बेचा है तो राम ने रमेश को 10,000 रुपये का माल बेचा, इसमें जो व्यवहार हो रहा है कि राम ने रमेश को माल बेचा है, कितने का माल बेचा है? 10,000 रुपये का माल बेचा है। तो इसे 10,000 रुपये को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब हम इसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हम इसका लेखांकन भी मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। इस तरह के जो लेखांकन होते हैं जिनको हम मुद्राओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम इस लेखांकन श्रेणी में यूज में लिख सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो व्यवसाय में तो होते हैं पर उन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे व्यवहार होते हैं, जैसे एक फैक्ट्री 2 एकड़ का भाग स्थित हो सकती है, 100 डिब्बे तैयार हुए माल तैयार हो चुके हैं, पारिश्रमिक के रूप में या मेहनत के रूप में उन्हें प्रतिफल स्वरूप उन्हें बधाइयाँ दी गई है। इस टाइप की जितने भी व्यवहार होते हैं उन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब मुद्रा के रूप में ही व्यक्त नहीं कर सकते तो हम उनका लेखांकन कैसे करेंगे? ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे 30 पर्सनल कंप्यूटर क्रय किए, कार्यालय में 30 कुर्सियां व मेजें हैं, बैंक में 5,00,000 रुपये तथा 20 टन भार का कच्चा माल रखा गया है। तो इस टाइप के जितने भी व्यवहार हैं जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनका हम लेखांकन में यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इसी अवधारणा के तहत हम ये कह सकते हैं कि जिन व्यवहारों घटनाओं को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें ही हम लेखांकन में इनका उपयोग करेंगे। तो ये हमारी दूसरी प्रकार की मुद्रा मापन से संबंधित अवधारणा है जो हमारी पूर्ण हुई है। इसके बाद में सतत व्यापार की अवधारणा वो हम पढ़ लेते हैं। तीसरी अवधारणा सतत व्यापार की अवधारणा, इस अवधारणा के तहत अगर व्यापार कंटिन्यू चल रहा है आने वाले कई सालों तक, 4 साल 5 साल 10 साल, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापार किस पे सतत विकास की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, व्यवसाय का अपना काम करते हुए जा रहा है, अपनी संपत्तियों को वह यूज में ले रहा है, अपने दायित्वों का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से व्यापार जब कंटिन्यू अपने मार्ग की तरह बढ़ता है, कई सालों तक वह चलता है, तो उसमें वह संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण करता है। जब व्यापार कंटिन्यू बढ़ रहता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, जैसे कोई व्यापार 1 साल या 2 साल के लिए चलता है, पर यह जो व्यापार है अपना यह अगर अपन कंटिन्यू 10 साल 15 साल तक चलाते हैं तो इसमें यूज में आने वाली जितनी भी संपत्तियां होती है उन संपत्तियों का हम बंटवारा करते हैं, उन संपत्तियों को हम डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। किस तरह से? कुछ संपत्तियाँ हमारी स्थायी होती है, कुछ संपत्तियाँ हमारी अस्थायी होती है, कुछ संपत्तियाँ हमारी विनियोग के रूप में होती है, कुछ संपत्तियाँ हमारी चालू होती है जो उस वर्ष से संबंधित होती है। उसी प्रकार से कोई दायित्व है हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई दायित्व हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई दायित्व हमारे चालू दायित्व होते हैं। इस तरह से संपत्तियों दायित्वों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? वो वर्गीकरण हम व्यापार को सतत रूप से निरंतर चलने की प्रक्रिया के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है कि ये संपत्ति हमारे इसी काम आ रही है, ये संपत्ति हमारे लिए विनियोग से संबंधित है, यह संपत्ति हमारे देनदार या लेनदार से संबंधित है, यह संपत्ति या यह दायित्व हमारे बैंक से संबंधित है। तो उन्हें हम बांट रहे हैं।
किस आधार पर? सतत व्यापार की अवधारणा के आधार पर। तो ये हमारा तीसरा सतत व्यापार की अवधारणा से संबंधित हमारी अवधारणा पूर्ण हुई है। इसकी आगे की जितनी भी अवधारणाएं बनती है, जो भी अवधारणाएं हमारे को दे रखी है, वह सभी अवधारणाएं हम आने वाली नई क्लास में उनका उल्लेख करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।